तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस को अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है उनके लिए यहाँ पर एक सेक्शन 3.0 के नाम से बैच है और इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे दिखाया हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है यहाँ पर, यानी कि टीचर्स हैं, डेली क्लास नोट्स हैं, उत्तर प्रदेश पर स्पेशल क्रेडिट फेयर मिलता है, डेली प्रैक्टिस सेट, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। और इस समय चूंकि ऑफर चल रहा है तो फीस भी देख सकते हैं आप लोग, इस समय केवल 4,999 रुपये है। इसी तरीके से यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम 2.0 के नाम से, जिन विद्यार्थियों का पीसीएस प्री और आरओईआरओ प्री टारगेट है उन विद्यार्थियों के लिए एक साथ तैयार करने के लिए संयुक्त 2.0 के नाम से बैच, पीसीएस और आरओ के लिए एक टेस्ट सीरीज बैच भी है, ऑनलाइन है ये 999 रुपये। जिनको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है उन विद्यार्थियों के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच भी है। ये जितने भी बैचेज हैं इनमें अगर आप इस छूट पहले दे रखी है और वैसे भी आप अगर एक कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को इन बैचेज में भी 500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से बीपीएससी के भी बहुत सारे बैच हैं, 70वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए एक बैच है आक्रोश के नाम से, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक बैच है यशवी के नाम से, निर्णायक बैच भी है जो कि बाइलिंगुअल है MCQs का, एक ऊर्जा बैच है फास्ट ट्रैक तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जिसकी फीस तो इस समय केवल 1599 रुपये ही है। और जो कूपन कोड है यानी कि PSP500 तो आप लोग इसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये सारे जो बैचेज इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। ये देखिए एक बैच 71वीं बीपीएससी के लिए भी है, ये फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले TGT और PGT की। आपने देखा होगा कि आज के पेपर में दिया है कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। तो इसी तरीके से आज सूचनाएं मिलती रहेंगी, कभी कुंभ के बाद, कभी बोर्ड परीक्षा के बाद, कभी कुछ। और जो महाकुंभ है वो पूरा जनवरी और फरवरी और फिर बोर्ड परीक्षाएं, तो इस बीच में विद्यार्थियों ने मांग तेज कर दी है कि कम से कम पदों को जोड़ दिया जाए। हालांकि रिक्त पदों का जो अधियाचन है अभी किसी भी विभाग का यहाँ पर नहीं आया है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो हायर हो। ये देखिए इसके बारे में यहाँ पर ये लिखा है, इसको लेकर के विद्यार्थी शासन से दबाव बनाएंगे कि जल्द से जल्द रिक्त पदों का जो विवरण है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच जाए। और जब रिक्त पदों का जो अधियाचन है या विवरण है जब आयोग पहुंच जाएगा तो उन पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाए। हालांकि ये जो रिक्त पदों का जो अधियाचन आना है इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो योजना है वो नया विज्ञापन निकालने की है, लेकिन जब पदों का अधियाचन पहुंच जाएगा तब एक बार अगर विद्यार्थी दबाव बनाएंगे तब विचार शिक्षा सेवा चयन आयोग कर सकता है पदों को जोड़ने को लेकर के। देखिए PCS में हर साल पदों में वृद्धि हुई है, विज्ञापन में कुछ और पद रहे हैं, परिणाम कुछ और पदों पर आया, ये देखिए। और इसी तरीके से UP SSSC की कई भर्तियों में हुआ है और SSC की कई भर्तियों में हुआ है, तो इसमें भी जो सीट में वृद्धि है वो होनी चाहिए। देखिए विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। हम नौजवान पीड़ित भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि आपको हमने पहले भी अवगत कराया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मिलान किया जाएगा, तभी जो है परीक्षाएं आपकी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर की संभव हो सकेंगी। जैसा कि आज समाचार पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि महाकुंभ के बाद ही आपकी परीक्षाएं संचालित होंगी, अर्थात अप्रैल माह में या मई माह में जो है आपकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन उसके पहले हमें आपको एक कार्य करना है, एकजुट रह करके संघर्ष करने का दौर है। मित्रों राजनीति का ये विषय नहीं है, ना तो ये राजनीति का मंच है, यहाँ हर नौजवानों को एक रोजगार की आवश्यकता है। तो कोई अगर आपसे टेट के नाम पे, पेट के नाम पे, भर्ती के नाम पे अवैध वसूली करता है तो वो सब फर्जी है, भर्ती नहीं आएगी शासकीय विद्यालयों में जूनियर की, इस बात को प्रमाण है। जब तक नियमावली में संशोधन नहीं है होगा तब तक भर्ती नहीं आएगी इस बात को। और मित्र अगर 50,000 की संख्या में आप उतर गए 28 नवंबर के बाद तो मैं डंगे की चोट पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जबड़े से जो है सीटों को खींचने का कार्य किया जाएगा। यहां मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो है प्रतियोगी छात्रों को गुमराह करने का कार्य किया, और कुछ संगठनों का ये मानना है कि विज्ञापन वर्ष 2022 में सीटों में वृद्धि होनी चाहिए
और परीक्षाएं मंडल स्तर पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि अधिकतम युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, जो है अभी फूलपुर में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे, वो कहे भी थे कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार की कमी नहीं होगी। तो यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के मनसा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मानना है कि परीक्षाओं में सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हों, सेंटर जो भी बनाए जाएं वो सही तरीके से बनाए जाएं, और परीक्षाएं मंडल स्तर पे होनी चाहिए, वो चाहे TGT PGT को हो, चाहे LT GIC को हो, चाहे GIC प्रवक्ता की हो। तो सभी भाइयों बहनों का भी मानना है, जो हमसे सीनियर भाई हैं उनका भी ये मानना है कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलना चाहिए, सीटें आनी चाहिए, विज्ञापन वर्ष 2022 में जुड़नी चाहिए, चूँकि इस आशय से जोर दिया जाए, चूँकि 3 से 4 महीने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास कोई कार्य नहीं है, तो कम से कम सीटों को मंगाने का कार्य किया जाए, ताकि अधिकतम युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। जैसा कि 15 अक्टूबर को भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि डॉक्टर कीर्ति पांडे जी जो अध्यक्ष हैं आयोग की, उनका भी ये मानना है कि अगर सीटें आ गई तो मुझे जोड़ने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन जब मेरे पास अध्याचन है ही नहीं तो उसका क्या मतलब, अब जुट्ठे जाके वहाँ माहौल बनाए तो उसका कोई मतलब है नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। और BEd के साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप बहुत क्लियर है, TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर, LT GIC GIC प्रवक्ता, यहीं आपको शरण मिल सकते हैं मित्रों, और अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर की भर्ती में। बाकी कोई कहेगा कि इसमें जो है चंदा दे दीजिए, हम फलाने NCT की गाइड पे जो है NCT को उखाड़ के बहा देंगे, सरकार को उखाड़ के बहा देंगे, तो राजनीति करने का दौर नहीं है मित्रों। और किसी को 1 रुपया मत दीजिएगा आप लोग भर्तियों के नाम पर, मैं आपसे केवल आपका भाई, आपसे आपकी उपस्थिति मांगता है, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है कि शीतला प्रसाद ओझा कितनी ईमानदारी के साथ जो है लड़ाई लड़ते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि फलाने की सरकार होती तो हम फोन से करा देते कि जो है, ये सब फर्जी है, भौकालबाजी, और टेलर टाइट यहाँ नहीं करना है, ना तो यहाँ रील बनाना है। मैं तो कहता हूँ भैया आप आइए आंदोलन में, आप भाषण दीजिए खूब, जो है हमें कोई दिक्कत है, हम तो यार बगल हो जाते हैं, नहीं जो भाई आते हैं आंदोलन में आप देखिए, लेकिन हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आप एकजुट रहे ना, तो भारत देश की पार्लियामेंट संसद को जो है अवकात मिलाने का कार्य करेंगे मित्रों। अगर 15 तारीख को जो है 2:30 बजे तक आचार संहिता न लगी होती तो मैदान जंग का ऐलान कर दिया जाता, और 3 दिन वहीं जो है डट जाते, उसके 4 गुना संख्या आ जाती ना, चारों तरफ से जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेर लेते। हम लोग जेल जाने और मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि यहां प्रयागराज में गरीब घर के बच्चे आते हैं, इनको जो है गुमराह करने की कोशिश मत करिए, और ना इनसे जो है चंदा वसूलिए, बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं। जो भाई जो है वसूल रहे भर्तियों के नाम पे कि मैं भर्ती मंगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, आप चंदा दीजिए, हद हो गई यार। काल से मैं देख रहा हूं कि बच्चे फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं कि ओझा भैया बताइए कि क्या भर्ती आएगी, जो है चंदा वसूली हो रही है। तो मैं सभी भाइयों बहनों से अपील है कि आप एकजुट रहना है हमें, आपको इन चंदा अवैध वसूली के चक्कर में नहीं रहना है मित्रों। मैं आपकी उपस्थिति मांगता हूं, आपकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी मित्रों, राजनीति का दौर नहीं है। बाकी सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। तो ये देखा आप लोगों ने, और अब हम बात करेंगे UP SSC की। कल प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन था, और अब 25 तारीख को UP SSC में प्रदर्शन है, और इन विद्यार्थियों का कहना है, सबसे मुख्य मांग है कि आयोग द्वारा जारी PET 2022 तथा PET 2023 के सभी विज्ञापनों की परीक्षा तिथि शीघ्र जारी हो, विज्ञापन से अंतिम परिणाम तक 9 माह से अधिक का समय न लिया जाए, परीक्षा रिजल्ट में सभी अभ्यर्थियों की रैंक जारी की जाए, और प्रतीक्षा सूची का प्रावधान हर भर्ती में किया जाए। बात तो सही है, UP SSC को अब एग्जाम कैलेंडर तो जारी कर ही देना चाहिए, और बहुत ज्यादा देरी हो रही है UP SSC की परीक्षाओं को लेकर। तो सभी विद्यार्थी UP SSC पहुंचे, जो भी UP SSC के साथ थे, विभिन्न भर्तियों के लगभग 30 से 32 भर्तियां UP SSC के लंबित हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें से ज्यादातर की जो परीक्षा नहीं हुई है, खासतौर से PET 2022 और 2023 की, और बहुत सारी पुरानी भर्तियां भी हैं जो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई। अगली सूचना है एडेड जूनियर भर्ती 2021 की। आज भी इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। पिछले 7-8 दिन से ये विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय में, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस भर्ती में ना तो कोई कोर्ट की रोक है, ना ही किसी प्रकार की रोक है, फिर भी अधिकारियों की लीड लतीफी हिलाफाली के कारण ये भर्ती फंसी हुई है। विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक शासनादेश जारी नहीं होगा, तब तक इन विद्यार्थियों का जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी रहेगा।
यहाँ पर लिखा है प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है विद्यार्थियों की तरफ से कि आज आठवें दिन भी भारी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर मौजूद रहे, जिसमें कई महिला अभ्यर्थी तथा महिला अभ्यर्थियों के परिवार वाले घर वाले लोग भी अनवरत धरने में मौजूद रहे। अभी भी अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, जबकि शासन द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा से एक माह में 3 बार रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। मैंने आपको नोटिस भी दिखाई थी, किंतु अधिकारियों के द्वारा लगातार लेट लतीफी की जा रही है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक भर्ती के शासन आदेश जारी नहीं किया जाएगा तब तक छात्रों का अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी के साथ ही ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी ने जानकारी दी है कि 24 अक्टूबर को महाधरने का आयोजन किया गया है और जिसमें पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी भाग लेंगे। धरने में ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी के नेतृत्व में रश्मि पूजा किरण, साधना, सुधीर तिवारी, रजनीश मिश्र, सुनील कनौजिया, सनोज यादव, मुकेश विकास वर्मा तथा मास्टर केवल सिंह, अशोक कुमार इत्यादि शामिल रहे। तो फिलहाल ये धरना प्रदर्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। विद्यार्थियों का ये कहना है जो भी भर्ती से संबंधित छात्र हों वो शिक्षण निदेशालय पहुंच सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।